चक्रवात वायु गुजरात की तरफ से कहर बरपाने बढ़ रहा है। इस बार इसका नाम भारत ने रखा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अभी इसकी गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन गुजरात के तटीय इलाकों तक पहुंचते पहुंचते ये 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार पकड़ लेगा। 220 किलोमीटर प्रति घंटा पिछले महीने उड़ीसा में आए चक्रवात फणी की इस रफ्तार के मुकाबले वायु कमजोर होगा। जून में चक्रवात आना आम है, उनमें से बहुत कम ही अरब सागर में उत्पन्न होते हैं। ज्यादातर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठते हैं। पिछले 120 वर्षों में जो रिकॉर्ड उपलब्ध है, सभी चक्रवाती तूफान के लगभग 14% चक्रवात भारत के आसपास अरब सागर में आए हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वालों की तुलना में अरब सागर के चक्रवात अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों आता है चक्रवात। गर्म क्षेत्रों के समुद्र में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर बहुत ज्यादा कम वायु दाब का क्षेत्र बना देती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से इकट्ठा होकर संघनन से बादलों का निर्माण करती है। खाली स्थान को भरने के लिए नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती हैं। ये हवाएं बहुत ही तेजी के साथ उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश करती हैं। कभी कभी तो तेज धूप घूमती इन हवाओं के क्षेत्र का डायमीटर हजारों किलोमीटर में होता है। क्या आप जानते हैं कि क्या होता है चक्रवात? कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं और ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं। भारत के तटवर्ती इलाके, विशेषकर उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा चक्रवर्ती तूफानों से ज्यादा अफेक्ट होते हैं। इसके साथ ही विश्व मौसम संगठन और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एंड पैसिफिक द्वारा जारी चरणबद्ध प्रक्रियाओं के तहत किसी चक्रवात का नामकरण किया जाता है। 8 उत्तरी भारतीय समुद्री देश जैसे बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों को 64 नाम तय करते हैं। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची से अगला दूसरा सुलभ नाम इस चक्रवात का रख दिया जाता है। इन 8 देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है और उसी क्रम के अनुसार इन चक्रवर्ती तूफानों के नाम रखे जाते हैं। 2004 में नामकरण की यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।